वीडियो को बिना स्किप किए हुए टोटल पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट आपने छोड़ा तो भाई आज की अर्निंग आप मिस कर दोगे। भाई कैसे हमने आज 30 रुपए की लाइट में 700 रुपए की अर्निंग कर ली है। आज आ चुके हैं हम ओला उबर रैपिडो और पॉटर करने, और आज हमारी ओला को पूरी 100 किलोमीटर चला के देखेंगे भाई कितना ये एवरेज देती है, कितना चल पाती है एक बार चार्ज करने पे, और 100 किलोमीटर में हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं ये सब आज आपको बताएंगे। और बिना किसी देरी के लिए निकल पड़ते हैं हम आज की राइड पे। आज का सफर का शुरुआत हम कर चुके हैं काफी दिनों बाद में भाई। अब थोड़ा मैं बेटर फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत फिजिकली प्रॉब्लम थी भाई, उससे मैं बाहर आ चुका हूँ और आज अपनी ओला लेके निकल चुका हूँ। 1 बजे दोपहर के 1 बज चुके हैं और मौसम भी सुहाना है, पैसे की थोड़ी कमी है भाई, उस कमी को पूरा करने निकल चुके हैं। 97% पे हमारी बैटरी है ओला की और हमारी ओला चल चुकी है 16,495 किलोमीटर, और आज देखते हैं हम कितना किलोमीटर चला पाते हैं। तो आज हम अभी पॉटर का ऑर्डर लेके निकले हैं और ये है हमारा पॉटर का ऑर्डर। जैसा कि आपको पता है भाई, हमारी बाइक पे कोई स्टैंड नहीं है, जुगाड़ से चलता है, और वो जुगाड़ ये है भाई, जब ज़रूरत हमें होती है तब हम अपना मोबाइल निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोकेशन हमें पता है जयपुर की, तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं और बकवास भी आज ज़्यादा नहीं करेंगे। तो आप पहुँचे हैं पॉटर की ड्रॉप लोकेशन पे, मतलब जो ऑर्डर लेके आए थे उसकी ड्रॉप लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। हेलो भैया, बोला हुआ उन पर खड़ा हूँ, पॉटर से आपका पार्सल था। कितने आ रहे हैं? 87। चलिए जी, कर दिया है ड्रॉप और 87 रुपये का कैश कलेक्ट बना है, और हमें कितना पे करेगा, क्योंकि हमारी ट्रिप थी 7.5 किलोमीटर की, तो 76 रुपीज़ हमें मिलने चाहिए। हमें मिल चुका है 7.5 किलोमीटर का 78 रुपये, मतलब 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हमें पे आउट मिल चुका है। उबर और रैपिडो हमने चालू कर लिया है और पॉटर भी हमारी चालू है, तीनों में से जिसकी भी राइड या ऑर्डर पहले आएगा वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और अभी है हम सी स्कीम में, तो 68 रुपीज की राइड आ चुकी है हमारे पास में पूर्णिमा जी की, और इनको ड्रॉप करना है मालवीय नगर, जिसमें पहले उसी में एक्सेप्ट, तो इस बार उबेर ने हमारा साथ दिया है। तो आज हमने जो हमारा बैक पैनल था उसको हटा दिया है भाई, उससे क्या है जो कस्टमर पीछे मतलब टच होके बैठते थे उस कारण ये डैमेज हो जाते थे, उसकी वजह से हमने पीछे वाला हटा दिया है। और अभी तक हमारे नंबर अपडेट नहीं हुए हैं। पूर्णिमा जी के नाम से इधर से निकल जाएगा रास्ता, बैठिए मैडम, आपको पता है ना रास्ता इधर से, चलो बैठो। हाँ बैठिए, हेलमेट लगा लीजिएगा। देखना पड़ेगा एक बार, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, राइड तो कंप्लीट कर दी है पर मैडम ने दे दिए 4 रुपए कम, 4 रुपए का काटा लग गया। लड़कियों की आदत तो जानते हो भाई, 4 रुपए ये छोड़ेंगे नहीं पर 4 रुपए लेके चले जाएंगे। 350 मीटर की पिकअप से हर्षिता जी की राइड आ गई है, जो है 14.5 किलोमीटर ड्रॉप डिस्टेंस है। हम जा रहे हैं बापू नगर से वैशाली नगर, तो इस 14 किलोमीटर की राइड के हमारा क्या पे आउट बनता है ये भी देखा जाएगा। बारिश आई है उस कारण भाई, मौसम तो छांव वाला है पर भाई उमस जो है उसके कारण बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। हमारी स्कूटर का अब तक का एवरेज सबसे बढ़िया रहा है और 74% मतलब 74% अभी हमारी बाकी है चलनी, पर मुझे लगता है मोबाइल उससे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, मोबाइल की बैटरी इतनी नहीं है। नहीं यार, 82% है अभी मोबाइल की बैटरी, और हर्षिता जी शायद हमारे ये सामने खड़े हैं। हर्षिता जी के नाम से ये लीजिए हेलमेट। अरे मैडम छोटे तो नहीं मिल पाएंगे, ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन अगर आप करना चाहो तो। मैडम के पास में चेंज नहीं है, चेंज लेने गए हैं शॉप पे भाई, कुछ लेना पड़ेगा उनको तब जाके चेंज मिलेंगे। हाँ पूछे,
अब फिर आगे गए। रैपिडो में कर देते हैं राइड ड्रॉप, क्योंकि 36 रुपीज़ का पे आउट उनसे ले लिया है हमने। रेटिंग तो हम 5 स्टार देंगे भाई, ये रेटी और कस्टमर। 127 रुपये की अर्निंग हुई है हमारी 15 किलोमीटर की। भाई रैपिडो तो पे आउट अच्छा देता है, और अभी अगर हम ऊबर में लेके आते हैं 15 किलोमीटर तो हमारा पे आउट बनता 80 या 90 लास्ट। पर यहाँ से अब थोड़ा बहुत खाली भी निकल। रैपिडो 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 बोले बाबा भाई, रैपिडो की राइड आ चुकी है फिर से। पर 2 किलोमीटर इसका पिकअप है, कोई दिक्कत नहीं है भाई 2 किलोमीटर पिकअप भी, क्योंकि यहाँ से मुझे खाली भी जाना था, और खाली मतलब 4 या 5 किलोमीटर मुझे खाली जाना पड़ता, तो इससे अच्छा है ना मैं अपनी राइड ले लेता हूँ, कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है भाई। अपने पास में ओला है, 62% अभी अपना बैटरी बैकअप बाकी है, तो हमें वेट भी नहीं करना पड़ा और भाई खाली भी नहीं जाना पड़ेगा, इससे बढ़िया हम पिकअप कर लेते हैं। और ये राइड है हमारी जोटवाड़ा की, रैपिडो की 2 राइड बैक टू बैक, एक 127 रुपये की और अब 11 किलोमीटर की, फिर है हमारी 80 रुपये की समथिंग, फिर हमारा पे आउट बनने वाला है। तो जल्दी से पिकअप करने चलते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर है और जाते जाते कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ना भाई, दिमाग ख़राब हो जाएगा। किरण जी के नाम से आराम से बैठना, एक तरफ ही पैर करके बैठोगे ना? हाँ, तो इस पे रख लेना, फिर ये नीचे हो जाएगा, ये क्या ज़्यादा प्रेशर से नीचे हो जाएगा। चलिए जी, आज का दिन अपने लिए ख़राब है भाई, 4 रुपये उन्होंने मैडम ने कम दे दिया और 2 रुपये इन्होंने कम दे दिया। और अभी हमारा ओला स्कूटर चल चुका है 16,548 और 50% हमारा बैटरी बैकअप बचा हुआ है। चलिए जी, वैशाली नगर के लिए राइड आ चुकी है और एक्सेप्ट करना अपना ही बनता है। ये लीजिए, एक्सेप्ट कर ली है अपने राजेश जी की राइड, और 50 मीटर मतलब यहीं पे सामने खड़े हैं रैपिडो। हाँ, राजेश जी के नाम से उबेर से राइड आ चुकी है अनुराधा जी की, और ये जाएंगे मानसरोवर, और ये राइड है 11.5 किलोमीटर की और 36% अपनी बैटरी रह चुकी है। और ये अनुराधा जी के नाम से राइड थी, शायद यह अनुराधा जी नहीं है, कोई लड़का ही खड़ा है। आप ही हो गए भैया अनुराधा जी के नाम से? आइए जी, ये तो ज़बरदस्ती मांग रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। वो देखो, ज़बरदस्ती ले रहे हैं ना, कोई दे रहा नहीं है, ये ज़बरदस्ती मांग रहे हैं यहाँ पे। आज हमारी ओला स्कूटर चल चुकी है 90 किलोमीटर और 20% अभी भी चार्जिंग हमारे पास में बाकी है, मतलब 19% है अभी, तो आराम से इसमें 20 किलोमीटर मेरी आराम से स्कूटर चल जाएगी। इसका मतलब 110 तो आज मैंने टच कर लिया है। समय हो चुका है 6:52, मतलब 7 बजने वाले हैं और बैटरी भी डाउन हो चुकी है। हम कर सकते हैं मतलब पॉटर वगैरह के ऑर्डर वगैरह तो ले सकते हैं, पर राइड में भाई कोई चांस नहीं ले सकते, 15% होने पे इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी, इस वजह से अब लेना बेकार है। तो आज सबसे ज़्यादा जो हमारी अर्निंग हुई है वो हुई है रैपिडो में, और सबसे ज़्यादा जो राइड दी है वो दी है उबेर में, और पॉटर के 2 ऑर्डर हुए हैं हमारे, कि रैपिडो ने 300 की अर्निंग करवा दी है, ऊबर ने 238 रुपये की और 134 की पोर्टर में हो चुकी है हमारी अर्निंग। तो टोटल मिला के हो चुका है हमारा आज का 672 रुपये का काम, हमने 6 घंटे में 672 रुपये की अर्निंग कर ली है। तो आज हमारी ओला स्कूटी एक बार फुल चार्ज होने में 30 रुपये की लाइट ले जाती है, मतलब 4 यूनिट हमारे लगते हैं ओला स्कूटी को चार्ज करने में, तो 30 रुपये की लाइट में हमने आज अर्निंग कर ली है 672, मतलब अप्रोक्स हमारा 700 रुपये का काम हो ही चुका है। तो 30 रुपये की लाइट में हमने आज अच्छी खासी अर्निंग कर ली है। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय एंड टेक केयर।